हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे डुप्लीकेट पासबुक और स्टेटमेंट चार्जेस के बारे में। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहां आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इश्यू ऑफ पासबुक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट पासबुक स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं इश्यू ऑफ फर्स्ट ओरिजिनल एसबी पासबुक एंड कंटिन्यूएशन पासबुक देयर ऑफ ऑन एग्जॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पासबुक दोस्तों टोटली फ्री रखा गया है, ठीक है। मतलब आप न्यू अकाउंट ओपन करते हो तो उस समय आपको जो पासबुक मिलती है वो टोटली आपके लिए दोस्तों फ्री होती है। उसके बाद जब आप एंट्री कराते हो तो एंट्री होने के बाद अगर आपकी पासबुक फुल हो जाती है उसके बाद जो आपको नई पासबुक मिलती है वो भी दोस्तों आपको टोटली फ्री होती है। चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट। करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट वंस इन अ मंथ दोस्तों टोटली फ्री है। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपका करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो दोस्तों मंथली आपको स्टेटमेंट टोटली फ्री मिलता है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया आपसे कोई चार्जेस नहीं लेती है। वही दोस्तों अगर ई स्टेटमेंट की बात की जाए जो ऑटो जनरेटेड होता है और ऑन रिक्वेस्ट होता है एसबी सीडी सीसी या ओडी के लिए टोटली दोस्तों आपको फ्री रखा गया है। इसमें आप इस बैंक ऑफ इंडिया कोई चार्जेस नहीं लेती है। चलिए वही बैलेंस सर्टिफिकेट की बात की जाए सेविंग अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के लिए, कैश क्रेडिट के लिए, ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए दोस्तों ₹150 पर ओकेजन आपसे बैंक ऑफ इंडिया चार्ज लेती है। मतलब जब भी आपको बैलेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है अपने किसी भी अकाउंट से, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सीसी अकाउंट हो या ओडी अकाउंट हो, दोस्तों पर ओकेजन के लिए बैंक ऑफ इंडिया आपसे ₹150 चार्ज कलेक्ट करेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों डुप्लीकेट पासबुक के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी पासबुक गुम हो गई है या फिर खराब हो गई है तो उस केस में आपको डुप्लीकेट पासबुक दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए सेविंग बैंक अकाउंट ₹100 विद बैलेंसेस एंड एंट्रीज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट प्रिंटिंग एंड एडिशनल ₹50 पर पेज और पार्ट ऑफ 24 एंट्रीज पेज के हिसाब से, ठीक है। मतलब यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर आप डुप्लीकेट पासबुक ले रहे हैं तो उसके लिए बैंक ऑफ इंडिया आपसे ₹100 चार्ज करेंगे दोस्तों विद बैलेंस एंड एंट्रीज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट प्रिंटिंग। मतलब जब आपकी पुरानी जो पासबुक है वहाँ पर जो एंट्री की है उसके आगे से आपको एंट्रीज वहाँ पे नई पासबुक में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपको एडिशनल एंट्रीज चाहिए पुरानी हुई तो उसके लिए पर पेज के हिसाब से दोस्तों आपको ₹50 चार्ज लगेंगे या फिर 24 एंट्रीज पर पेज के हिसाब से आपको चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए डुप्लीकेट एडिशनल स्टेटमेंट करंट अकाउंट सीसी अकाउंट ओडी अकाउंट एसबी अकाउंट्स के बारे में बात की जाए तो ₹150 पर पेज और पार्ट देयर ऑफ 40 एंट्रीज पर पेज के हिसाब से रहेगा, ठीक है। आपको अगर स्टेटमेंट चाहिए दोस्तों किसी भी अकाउंट का, आपका करंट अकाउंट हो, सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, एसबी अकाउंट है, तो उसके लिए आपको ₹150 चार्ज देने पड़ेंगे एक पेज के हिसाब से। 40 एंट्रीज एक पेज में दोस्तों होती है, ठीक है। चलिए और दोस्तों हमने जिस भी चार्जेस की बात की है उसमें आपका दोस्तों जीएसटी इंक्लूड रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डुप्लीकेट पासबुक एंड स्टेटमेंट के बारे में। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।